जी साढ़े मानयोग कमिश्नर साहब वालों नशा तस्करों विरुद्ध एक मुहिम चलाई गई आ, जिस तहत कल साड़ी सी आई ए की टीम जिहड़ी उस वेले भारी सफलता मिली, जो सी आई ए की टीम वालों एक विनोद कुमार नां दे व्यक्ति नूं काबू किया गया। उस पासों एक किलो स्मैक जिहड़ी आ वो बरामद की गई आ। उस संबंध में केस रजिस्टर किया गया ते उहदी पुछगिछ ते एक राजकुमार नां दे व्यक्ति नूं जिस पासों लै के आया सी उहनूं भी गिरफ़्तार किया गया वा, जो इन्हां दोवां नूं अज पेश अदालत किया जा रहा वा ते इहदा रिमांड लैके इन्हां दोवां दा फरदर जिहड़ी आ पुछगिछ के एक किहदे कोलों लै के आए सी, किद्दां लै के आए सी ते अगों इन्हां ने कित्थे वेचनी सी, इहदे बारे जिहड़ा पता लगाया जा रहा। सर बाज़ार दी जिहड़ी कीमत किन्नी आ? इहदी कीमत करीब 20-25 लाख रुपया होएगी। ये रिमांड लैन गए जी, कोर्ट च पेश करन गए आ ते कोर्ट च पेश करके सर दिन तिहार दे टाइम चलदे पए ते दिवाली दा डिसीजन चलदा पिया, की कहना चाहोगे? इदां दे लोग फिर भी दो नंबर दे समान वेचदे पए ने, की कहना चाहोगे? असीं ते शहर वासियां नूं इहो अपील करदे आ कि वह जिहड़ी पुलिस वल्लों नशा तस्करों विरुद्ध मुहिम चलाई गई आ उहदे विच पुलिस नूं इनफॉर्मेशन देण, उहनां दा नां जिहड़ा गुप्त रख्या जाएगा ते जिहड़े इस तरह नशा तस्करों विरुद्ध जिहड़ी कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। सर इन्हां दे पहले भी मामले दर्ज है जी? ये जिहड़ा विनोद कुमार है जी, इस ते पहलों भी एक NDPS एक्ट का केस रजिस्टर्ड है। हाँ, जिथों ये लैके आउंदे आ होर इन्हां ने इस तो पहलों किन्ना किन्ना लोगों सप्लाई की है, कितों कितों लैके आ रहे आ, ये बारे जिहड़ा वा अपना रिमांड लैके जिहड़ी फरदर पुछगिछ है की जाएगी। ਇਹ ਜੀ 21-22-65 NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਢਪਈ ਰੋਡ ਦਾ ਵਾ, ਪਿੱਲੋ ਇਹਦਾ ਵੇਰਕੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਘਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।